अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ लोग सब खैरियत से होंगे। सेकंड शायरी सबको मुबारक हो। माशाल्लाह फर्स्ट रोज़ा बहुत ही अच्छा गुजरा, हमें दो रहमत मिली, एक बारिश हो रही थी और एक फर्स्ट रोज़ा था। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गुजरा था। आज सेकंड शायरी है, आज भी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा गुजरेगा। और कल का व्लॉग जो था वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। आजकल व्लॉग की टाइमिंग चेंज हो गई है, व्लॉग अपलोड कभी सुबह होगा, कभी शाम में, कभी दिन में, कभी रात में, क्योंकि अभी कोई स्टार्टिंग पता नहीं है। फर्स्ट रोज़ा जो व्लॉग बनाया था वो मैं अभी सुबह 9 बजे के टाइम अपलोड करूँगा, तो अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लेना आप लोग। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और वो लोग भी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं अभी बैठ कर वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से सहरी लगे और सहरी करूँ। मेरा थोड़ा पेट फूल है क्योंकि जब मैं रात को तरावीह पढ़ के आया था तो मैं कुछ खा लिया था, इस वजह से अभी मुझे इतना खाने का दिल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत खाऊंगा बस। अजान होने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी है, टाइम बहुत ही कम रह चुका है। अब जल्दी से पानी वगैरह पीते हुए और नियत करते हैं। सिर्फ 1 मिनट बाकी और माशाल्लाह सुबह सुबह जो मौसम है ना काफी ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। अभी हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग टाइप हो रही थी तो लाइट लाइट सी हो रही थी बारिश, और अभी मौसम फिर से हट चुका है, लगता है कि बारिश होगी। नमाज का टाइम हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। पढ़ के फारिग हो चुका हूँ और अभी मुझे लैपटॉप निकाल के अपने वीडियो अपलोड करना है। वीडियो अपलोडिंग पे मैं लगा चुका था बट टाइटल और थंबनेल वगैरह नहीं लगाया था, तो अभी मैं सबसे पहले लैपटॉप निकालूंगा, काम वगैरह करूँगा, फिर उसके बाद सोऊंगा। लैपटॉप अपना ऑन कर चुका हूँ, अब इसमें जल्दी से मैं यूट्यूब वगैरह ओपन करूँ, टाइटल लिखूँ और थंबनेल लगाऊँ। हमेशा मेरे लैपटॉप का जो ब्राइटनेस है वो सील ही रहता है। ये रहा, ये सब चीज़ लग चुका है। टाइटल है अशर रहमत का, अब्र रहमत से आगाज़ रमज़ान मुबारक। अब आप लोगों ने टाइटल तो देख लिया लेकिन जाके वीडियो लाजमी देखना, व्लॉग माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैंने वीडियो प्राइवेट कर दिया, अब सुबह उठूँगा तो उसको पब्लिक कर दूंगा, और अब मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मेरी आइज़ जो है ना वो अजीब से ना उसमें दर्द हो रहा है और जल रहा है। तो सोते हैं, सुबह उठ के मिलते हैं। आज उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था यार, बहुत ज़्यादा ही थक चुका था रात को, इस वजह से अभी ऐसे नींद में मैं सिर्फ पागल हो रहा हूँ। मेरा मोबाइल का जरा मैं टाइम दे देखूँ, टाइम क्या हो रहा है पता नहीं। मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया, मुझे बाहर ही जाके टाइम देखना होगा टाइम क्या हुआ। और आज फ्राइडे भी है तो सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक हम सब की दुआ अपने बारगाह इलाही में कबूल होता फरमाए, अपनी दुआओं में थोड़ा सा मुझे भी याद रखा करें। सबसे पहले मैं टाइम देखूँ कि टाइम क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आज हमारी जो जुम्मे की नमाज़ होती है 2 बजे होती है और अभी टाइम हो रहा है 1:10 बाकी है। अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने क्योंकि मैं फ़्रेश वगैरह होकर हर जुम्मे 1:15 या 1:20 पर मस्जिद चले जाता हूँ क्योंकि बयान होता है, वहाँ बैठ कर सुनता हूँ और मस्जिद जल्दी भी जाना चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, फ्रेश होने के बाद सीधा मस्जिद।
रेडी वगैरह हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद। और फर्स्ट रोजे वाला जो व्लॉग था वो मैंने अभी अपलोड किया है थोड़ी देर पहले, आप लोग वो जाके लाजमी देख लेना, क्योंकि मेरे जो रमज़ान का जो रूटीन होता है ना वो मैंने फर्स्ट व्लॉग में बता दिया, तो आप लोग वो जाके लाजमी देख लेना। अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद। नमाज पढ़कर आ चुका हूँ और मुझे अभी अपने लैपटॉप में काम है और काम बते कि आप लोग भी मैं बताऊंगा तो हंसेंगे। मुझे व्लॉग एडिट करना, और कौन सा व्लॉग एडिट करना, यही वाला जो मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ इसका हाफ के लिए बोल चुका है वो एडिट कर लूँगा। फिर इसके बाद रात को तरावी पढ़ के आऊँगा, वो कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि फिर ना टाइम नहीं मिलता तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, इस वजह से मैं हाफ़ दिन में कर लेता। कल भी मैंने यही किया, हाफ़ दिन में किया और हाफ रात में, आज भी ऐसे करूँगा। अभी मैं अपना लैपटॉप निकाल लूँ और फिर व्लॉग एडिट करूँगा। आप लोग व्लॉग देखना कि कैसा एडिट होता है और उसमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं। अपना लैपटॉप लेकर आ चुका हूँ, अब जल्दी से अपना लैपटॉप निकालता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज ही वाला व्लॉग बना रहा हूँ और इसको हाफ एडिट कर। वाह क्या बात है, मुझे टाइम नहीं मिलता ना रात को, तो इस वजह से मैंने कहा कि अभी हाफ कर लूँगा। अभी रूटीन वन मंथ ऐसे ही चलेगा, हाफ दिन में एडिट, हाफ रात में काम अपना कंप्लीट, ऐसे ही हो सकता है क्योंकि रात में तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ और हाफ व्लॉग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसा बना है और एडिट कैसे होता है वो। चले आए, मैं अब आप लोगों को अपने लैपटॉप में एक टैलेंट दिखाता हूँ कि ये जो व्लॉग बन रहा है वही व्लॉग एडिट हो रहा है। तो चलते हैं जल्दी से एडोब प्रीमियर पे। प्रीमियर मेरा ओपन हो चुका है, मैं इसमें सबसे पहले ना अपनी सारी चीज़ें ले लेता हूँ कि सब्सक्राइब करना है क्या करना है। ये डाउनलोड में मेरा पड़ा हुआ है वीडियो में जाके, ये है सब्सक्राइब और ये है इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक और ये कुछ और है, ये डिक्स, ये पता नहीं क्या चीज़ बिल्ड डाउनलोड किया हुआ है मैंने। मुझे कभी कभार काम पड़ता है एडिट में तो मैं लगाता हूँ, अभी तो फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं है। और ये 2 आवर्स थिएटर ये सब है, इसको मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ। ओपन कर चुका हूँ और मैं आप लोगों को ना पहला क्लिप अपना दिखाऊँगा, तो हंसना मत। ये सारे जितने भी व्लॉगर हैं ना इन सब की रियलिटी है, पहले ऐसे बनता फिर जब एडिट कर लेते ना फिर एक लगता है प्रोफेशनल, ठीक है। लेकिन एडिट से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कोई भी क्लिप वो कैसा लगता है, मेरे अपना दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने हंसना नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने लैपटॉप में कि ये कैसे बनते हैं ना। आप लोग समझते हैं कि बस कैमरा ऐसे किया बन गया, ठीक है, उसमें आगे पीछे का कुछ नहीं आया। उसमें पहले आप कैमरा ऑन करते हो, फिर इसके बाद उसका बैक कैमरा लेते हो, फिर इसके बाद बनाते हो। आज आप लोग देख लें, मैंने अभी लोकल टिक्स ई में कहा गया व्लॉग सेकंड रमज़ान, ये रहा, मैं ये ऑन करता हूँ। चलें ये देखें, सबर ये हो गया। मैं कोई कट वगैरह नहीं कर रहा, कोई चीज़ एडिट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को वैसे ही दिखा रहा हूँ जैसे वो क्लिप बना हुआ है, ठीक है। तो मजाक नहीं उड़ाना यार आप लोग कमेंट्स में, सिर्फ मैं इसको उसमें कर देता हूँ रेक्टेंगल में, ओके, ठीक है। ये देखिए ये क्लिप स्टार्ट हुआ, ये देखिए ऐसे करने के बाद ये घूमता है, फिर उसके बाद ये व्लॉग स्टार्ट होता है, फिर इसमें मैं बातें कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अब इसमें जो गलती होगी उसको फिर कटआउट करूँगा, कटआउट करके इसको फिर एक दूसरे के साथ जोड़ूंगा। फिर ये देखिए चेंज होना। इसमें मैं भूल चुका था मुझे क्या बोलना, मैंने चेंज किया, अभी फिर देखना आप लोग। ये देखिए अब मैं जब बोलता हूँ ना वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग, अब देखें देखना अभी कैमरा कैसे जाएगा। ये देखें ये करके, ये देखें देखा ना आप लोगों ने, ये हर कोई ब्लॉगर जो है ऐसे ही बनाते हैं वीडियो, उसकी वीडियो चारों तरफ घूम रही होती जब एडिट करता है फिर वो सेट करता है। अब मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे मोबाइल में भी चार्ज नहीं है, तो मैं सबसे पहले इसको एडिट वगैरह कर लूँ। मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाता हूँ कि यह हाफ कैसा एडिट हुआ, तो एडिट करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। फाइनली मैंने आधे से ज़्यादा वीडियो क्लिप एडिट कर दिया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ
ये आज का ही व्लॉग है। मैं जो अभी अभी जो बना रहा हूँ ना, ये वही व्लॉग है, हाफ है वो। आप लोग हाफ देखें, ये देखें उस टाइम कैसे दिखाया था और अभी एडिट होने के बाद कैसा हो गया, ये देखें बिल्कुल मस्त। ये देखिए मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ इसको। ये अब हाफ एडिट हो चुका है, अब मैं इसको सेव करके रख रहा हूँ। फिर जब रात को मेरा व्लॉग कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको मैं रात को कंप्लीट एडिट कर लूँगा। अभी मैं इसको जल्दी से अपने लैपटॉप को रखता हूँ बैग में। बैग पैक हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ इसको अपने रूम में रखने। फिर उसके बाद आके मुझे कुछ काम है मोबाइल में, तो फिर मैं वो करूँगा। और मोबाइल में मेरे चार्ज भी ख़त्म होने वाला है। मैं असर का नमाज़ पढ़ के फारिग हो चुका हूँ। मैं जब बैग रखने गया था तो अजान हो गया था, मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि आज इफ्तारी में क्या क्या चीज़ है, वही कल वाला पुराना या कोई न्यू चीज़ भी बन रहा है। तो लेट्स गो, देखते हैं आज क्या न्यू चीज़ है। ये समोसे की पट्टी पड़ी हुई है और यहाँ पे समोसे का पेस्ट बना हुआ है। आज घर में समोसे बन रहा है। और ये है चिपकाने वाला जिसे समोसे का साइड चिपकाते हैं। और अभी ये सिस्टर मेरी बनाएंगी। इन्होंने सबसे पहले पट्टी उठाई, पट्टी का पहले शेप बनाया। मुझे नहीं आता, सिस्टर को ही आता है, इस वजह से मैं सिर्फ व्लॉग ही बना रहा हूँ। ये देखें ऐसे करके बनता है। फिर उसके बाद ये साइड में इसके गोंद, वो आटे से बनाते गोंद टाइप, वो लगता है। फिर अब इसके अंदर डलेगा पेस्ट। ये देखें ये डला इसमें, मैं इसके अंदर पेस्ट। अब इसको फिर क्लोज करेंगी सिस्टर। ये देखें ये पेस्ट लगाया उन्होंने आटे का। ये देखें ये इसको इस तरीके से मोड़ा और ये समोसे हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर पंतरास रेडी किया जा रहा है। पहले ये बेसन का होता है, इसको डालते हैं और फिर इसके साथ ही पेस्ट बना हुआ है, इसको फिर ऊपर से पेस्ट डालते हैं। यहाँ समोसे पड़े हुए हैं और अब ये सिस्टर डालेंगी पेस्ट। ये इस तरीके से इसमें पेस्ट डलता है, फिर इसको फोल्ड करते हैं। अभी देखना सिस्टर इसको फोल्ड करेंगी कितने अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से एक और ये दो, ये फाइनली पेस्ट हो गया। और यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे हैं। ये 30 हो चुका है और अफ्तारी भी अब लग रहा है, तो मैं जा रहा हूँ अफ्तारी में बैठ के दुआ मांगने। 10-15 मिनट पहले बैठ कर अच्छे से दुआ मांगनी चाहिए। मैंने तो बहुत सारी दुआ मांगनी है तो इस वजह से मैं 15-20 मिनट पहले बैठ जाता हूँ। अभी 6:30 हो रहा है, एक दो मिनट आगे हो गया ना, 6:45 पर आने तो एक दो मिनट आगे हो गया। तो अब जल्दी से अफ्तारी पे बैठते हैं और दुआएँ मांगते हैं। अफ्तारी लग चुका है और मैं अफ्तारी के सामने बैठ गया हूँ। अब अच्छे से दुआ मांगना है, फिर उसके बाद अजान हो जाएगी, अफ्तारी खोलना है। तो अब मुझे मोबाइल अपना चार्ज पे लगाना होगा क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज भी नहीं है। और फिर अच्छे से दुआ मांगना, मोबाइल यूज़ नहीं करना। तो अफ्तारी करने के बाद मिलते हैं। अफ्तारी की, अफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ा। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा लेट गया था, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँ। फिर मैं डायरेक्ट चले गया ईशा की नमाज़ पढ़ने, फिर तरावी पढ़ के अभी आया हूँ। और अब मुझे जाना अपना काम करने। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।